हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल हेलो वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातें की थी कंपटीटिव कोडिंग के ऊपर, तो आज हम लोग उसी लेक्चर सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ कंपाइलर के ऊपर कि इंस्टॉलेशन ऑफ कंपाइलर क्या है। बेसिकली मैंने बताया था कंपाइलर एक वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं और फिर बाद में कोड को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि रेस्पेक्टिव आउटपुट निकल सके। तो कंपाइलर बेसिकली अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि जो मैक यूज़र होते हैं उनके लिए अलग होता है, जो विंडोज़ यूज़र होते हैं उनके लिए अलग होता है। आज का हमारा वीडियो उसका यही ऑब्जेक्टिव्स है कि हम लोग कैसे सूटेबल कंप्यूटर कंपाइलर डाउनलोड कर सकते हैं, कंपाइलर को यूज़ कैसे करते हैं, और हम लोग कंपाइलर में आज कुछ कोड्स लिखेंगे और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ हम लोग बात करते हैं कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो फिर विंडोज़ के लिए कौन सा कंपाइलर होता है। तो नाउ विंडोज़ के लिए आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बहुत तो पूछते हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ करना चाहिए। मैं टर्बो सी प्लस प्लस नहीं आपको रिकमेंड करूँगा बिकॉज वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा देव सी प्लस प्लस या फिर कोड ब्लॉक्स। चलिए डाउनलोड करते हैं देव सी प्लस प्लस। देव डाउनलोड नाउ, इस तरह का आपके पास लिंक खुलेगा। आप इसमें सोर्स फॉर गेट नोट पे जाएंगे। अब आपका जो रेस्पेक्टिव कंप्यूटर है उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कैच आउट कर लेगा। डाउनलोड में गए नाउ, अब इसके बाद यू विल डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका बेसिकली कंप्यूटर आप पता कर सकते हैं कितने बिट का है। ये .exe फाइल है आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, तो फिर ये रहा exe फाइल। ओके नाउ, अब जो है अब मेरे मैक में ये exe फाइल नहीं चलने वाला है, मेरे मैक में अलग से आता है। यस, आई एम अ मैक यूज़र, इट डजेंट मीन कि मैं अमीर हूँ। नाउ आपको यहाँ पे देख, ये ऑटोमेटिक 64 बिट के कंपाइलर के अनुसार, कंप्यूटर के अनुसार आपका कंपाइलर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब आते हैं मैक यूज़र के लिए। जैसे अभी आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद इस तरह का कुछ आइकन्स आएंगे, आपको उसके ऊपर ओके करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है। जूम कर लेते हैं, नेक्स्ट करते जाना है, फिर इंस्टॉल करते जाना है, देन उसके बाद फिनिश, एंड आपका फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको इंस्टॉल करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। नाउ अब आते हैं मैक यूज़र के लिए। मैक अब जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे देन आपके उसका ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ओके, ये जो यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ फाइल का ऑप्शन है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आप न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे एंड देन कोड स्टार्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें रन करते हैं, अगर आप कोड लिख लेते हैं तो ये होता है कंपाइल का ऑप्शन, ये होता है कंपाइल का ऑप्शन और ये होता है रन का ऑप्शन, और फिर कोड को यहाँ से रन कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मैक यूज़र के लिए कि मैक यूज़र के साथ क्या है। तो मैक यूज़र के केस में होता है हमारे यहाँ था एक्स कोड में बेसिकली है। हम लोग रन कैसे करते हैं आइए इसको भी देखते हैं। इट इज स्टिल ओपनिंग नाउ, क्रिएट अ न्यू कोड प्रोजेक्ट। कमांड लाइन यहाँ मैक ओवर सेलेक्ट करेंगे, देन कमांड लाइन टूल में जाएंगे, देन इसको नेक्स्ट करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम देंगे। आज हमारा लेक्चर 3 है तो हम लोग लेक्चर 3 देखते हैं नाउ, और ऑर्गेनाइजेशन नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, वो मैं प्रिंस नाम डाल देता हूँ। सी प्लस प्लस हमारा लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट। फोल्डर जहाँ चूज़ करना है फोल्डर चूज़ कर लीजिए कि आपका कोड कहाँ पे जाके सेव होगा। नाउ यहाँ मेन CPP में जाएंगे। ओके, ये हमारा आ गया फॉर्मेट जहाँ हम लोग कोड राइट करेंगे। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग कंपाइलर सही चूज़ कीजिएगा, 64 बिट का ही चूज़ कीजिएगा। आप मैं विंडोज़ यूज़र के लिए बता देता हूँ कि आप लोग विंडोज़ में देव सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोग कोड ब्लॉक्स दिखा देता हूँ, कोड ब्लॉक्स से डाउनलोड करना है आपको, बस डाउनलोड कोड ब्लॉक्स, ठीक है, वेट, डाउनलोड कोड ब्लॉक में जाएंगे,
सारे प्रोसीजर बस आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है और exe फाइल डाउनलोड हो जाएगा। नाउ वेट इज स्टिल ओपनिंग। ओके ये मेरे मैक के लिए नहीं है तो इसलिए ये वेबसाइट आगे खुल भी नहीं रहा। आप लोग विंडोज़ यूज़ करेंगे आपको विंडोज़ में ये चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपको कौन सा डाउनलोड करना है। अब जैसे कि मैं अगर एक कोड लिखूँ कि बेसिकली कोड को स्टार्ट कैसे करते हैं, तो ये पता है सबको बिकॉज आप लोगों ने ये सी प्लस प्लस सीख रखा है। ऑल्दो अगर आप लोग नहीं सीख रखा है तो आप लोग स्टिल किसी दूसरे चैनल से सीख लीजिए, वरना मेरा खुद का चैनल है और मैंने खुद सी प्लस प्लस लेक्चर्स बना रखे हैं। ठीक है, हम लोग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करेंगे। नाउ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन फंक्शन। मैं बता रहा हूँ कि आप लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, एक तरह से ये क्विक स्टार्ट टाइप का चीज़ हो गया। मैं पेज को बड़ा कर देता हूँ आप लोगों को देखने की सुविधा हो। नाउ इंट एन, बाय द वे मैं काम करता हूँ कि मैं लूप चलाता हूँ 1 से 10 तक प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, सी इन जो मैं इनपुट करूँगा एन में डाल देता हूँ, लूप चलाता हूँ फॉर इंट आई बराबर 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। नाउ सी आउट आई और एंड लाइन चेंज करते जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ होता है रन का ऑप्शन, फिर से ध्यान दीजिएगा इस पोजीशन पे होता है रन। ना हमने रन किया, रन करने के बाद एक नीचे से पैनल खुलता है, ये रहा पैनल, आप यहाँ से देख सकते हैं पैनल यहाँ से खुलता है। ना एन का वैल्यू इनपुट करते हैं 10। देयर समथिंग एरर, ओके नाउ 10 इज प्रिंटेड। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो से क्यों स्टार्ट हुआ, बिकॉज हम लोगों ने आई बराबर 0 से लिया था एंड आई लेस देन एन, लेस देन एन मीन्स क्या, लेस देन एन मीन्स 10 से कम, तो 0 से लेके 9 तक हमारा कोड प्रिंट हो गया। बाय द वे मैं बता देता हूँ कि हमारा कंप्यूटर, जैसे कि जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो कोडसेफ्ट से क्वेश्चन आते हैं या जो अनदर कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन आते हैं, उनमें बेसिकली क्या होता है, जो टेस्ट केस होते हैं, टेस्ट केस मतलब कि जो वो लोग न्यूमेरिकल पास करते हैं क्वेश्चंस में, वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो फिर वो लोग मशीन्स और सर्वर्स पे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि कोडसेफ का खुद का आईडीई होता है, ठीक है, कोडसेफ का खुद का आईडीई होता है, आप codesurf.com/IDE लिखिएगा तो उसका खुद का आईडीई खुल जाएगा, तो आप इस पर भी कोड रन कर सकते हैं। ज़्यादा सुटेबल होता है बिकॉज ये थोड़ा स्पीड होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा लैपटॉप। अगर टेस्ट केस ज़्यादा होता है तो हमारा लैपटॉप इस चीज़ में कभी कभी फेल कर जाता है टेस्ट को प्रोवाइड करने में। ठीक है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, सॉरी। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों का इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। दिक्कत आ रही है तो मैं आगे अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में सुधार करूँगा। तो फिर अब जैसे कि इसमें कोड कंपाइल एंड रन, ओके नाउ ये हमारा खुल रहा है, इस तरह का एक चीज़ खुलेगा, ये सर्वर खुलेगा। ओप्स और आईडी प्लीज़ रिलोड टू, ओके फिर से रिलोड कर देते हैं, ऑटोमेटिकली आपको ये रिलोड हो जाएगा। ठीक है, नाउ आज का हमारा ऑब्जेक्टिव के अनुसार इंस्टॉल का हमारे आज देख लिया कि कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करते हैं, कंपाइलर को यूज़ कैसे करते हैं, रन कहाँ से करते हैं, ये पता चल गया। बाद देखिए धीरे धीरे मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करते जाऊँगा कि कैसे करते हैं, कंपाइलर पर कोड के लिख के भी रन करा लिया। नाउ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियोस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और दिक्कत आ रही है तो फिर मैं उसे सुधार करूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।